आईपीएल 2024 के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स की आई बुरी खबर। केएल राहुल ने अचानक छोड़ी कप्तानी, अब ये खिलाड़ी संभालेगा कमान। आईपीएल के बीच मैच में आखिर क्यों छोड़े केएल राहुल कप्तानी? ऐसा क्या हो गया जो केएल राहुल को कप्तानी छोड़ना पड़ा? ये सब वीडियो में दिखाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केएल राहुल आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली शर्मनाक हार के बाद संजीवन गोयनका और केएल राहुल के बीच हुआ विवाद अब गहराता ही चला जा रहा है। हार के बाद एलएचजी के मालिक ने कैमरे के सामने कप्तान की क्लास लगा दी थी। तब से इस मामले पर हर रोज नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि संजीव गोयनका को कैमरे के सामने केएल राहुल को सरेआम फटकार नहीं लगाना चाहिए थी। वहीं अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले के बाद केएल राहुल आगामी मैचों में कप्तानी करते हुए नहीं नजर आएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में इन प्लेयर को कमान सौंपी जा सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब मुश्किल में बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौजूदा हालत में उनका प्ले ऑफ में पहुँचना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि लखनऊ के पास 12 अंक है और उनके पास 2 मैच बचे हैं। अगर दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो 14 अंक हो जाएंगे, जहां से टॉप 4 में जगह बनाना आसान नहीं होने वाला है। वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि केएल राहुल बचे हुए 2 मैचों में कप्तानी नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो संजीव गोयनका के द्वारा कप्तान को लगाई गई फटकार से केएल राहुल को गहरी ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से आखिरी मैचों में दूरी बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के कप्तान केएल राहुल आगामी 2 मैचों में कप्तानी नहीं करते हैं तो उनकी जगह किस खिलाड़ी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? केएल राहुल के बाद उनके डिप्टी यानी कि उप कप्तान निकोलस पुरन है। किसी कारण मुख्य कप्तान बाहर हो जाते हैं तो निकोलस पुरन को पूरा हक है कि वो टीम की कप्तानी संभाले। उनके अलावा फ्रेंचाइजी भारतीय ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के पास भी जा सकती है। उन्होंने पिछले सीजन केएल राहुल के चोटिल होने पर टीम की कमान संभाली थी। आईपीएल में प्रत्येक टीम को कुल 14 मैच खेलने हैं। लखनऊ की टीम 12 मैच खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 6 जीत और 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल एलएचजी के पास 2 मैच बाकी है, 14 मई को दिल्ली कैपिटल्स और 17 मई को मुंबई इंडियंस से भिड़ना है। इन दोनों मुकाबले जीतकर फ्रेंचाइजी की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह प्ले ऑफ में जगह बनाई जाए, लेकिन यहाँ से इनके चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे केएल राहुल कप्तानी करते हैं या नहीं। इस पर आप लोगों को क्या लगता है? अपना भी कीमती राय अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।